कौमी असम्बली में चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की करारदाद मंजूर। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी बनेगी। करारदाद बिलावल भुट्टो जरदारी की तजवीज़ पर पेश की गई। कमेटी में हुकूमती और अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को पेश करें। अयाज सादिक का कहना है कि पार्लियामेंट के वकार के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। चाहते हैं कि अपोजिशन ऐवान में बात करें, अगर वो यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर कहाँ बोलेंगे। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियाँ हुई तो मैं चुप नहीं बैठा। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिया। कौमी असम्बली में पार्लियामेंट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी तशकील देने की तहरीक मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताअत आरड़ ने कमेटी के क्याम की तहरीक पेश की, जिसमें कमेटी बनाने का इख्तियार वज़ीर आज़म को दिया गया। कमेटी में 16 अरकान होंगे, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी होगी। कमेटी बनाने का मकसद पार्लियामेंट को फंक्शनल करना है। इजलास के दौरान स्पीकर ने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर को मुखातिब करते हुए कहा, आप इजलास मुलतवी होने के बाद मेरे पास आ जाइएगा, दोस्तों को बताकर आइएगा कि आप कोई साजिश करने नहीं आ रहे। क्यादत बैठे या ना बैठे, क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाक जमहूरियत पर साइन नहीं कर सकते? हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? जो मैं कर सकता था वो मैंने किया, मगर जब अफसोस ये होता है कि जब आपकी जमात की तरफ से ये है कि मैं उसका हिस्सा था। अयाज सादिक का मजीद कहना था कि हुकूमत की कारकर्दगी पर लाजमी बात करें, मगर जातियात से निकल आए। पीटीआई हुकूमत ने हमारे अराकीन की प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए, जो वाकया हुआ इसकी तय तक जाने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की हुकूमत को तनबीह। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम जबरदस्ती करने पर आए तो कोई वफाकी वजीर खैबर पख्तूनख्वा में खत्म नहीं रख सकेगा और वहां हमारी हुकूमत है। बताओ चेयरमैन तहरीक इंसाफ, मुझ पर बहुत दबाव है। जैसा विफाक में हमारे साथ सलूक हो रहा है, वैसा हम केपी में नून लीग वालों के साथ करें तो, लेकिन हम जमहूरी रवायात के अमीन हैं, केपी में ऐसा नहीं करें। हम अगर जबरदस्ती करने पे आए तो आपकी भी केपी के से ही आई है, वहां हमारी हुकूमत है, हम हर एक आपके खिलाफ पर्चा करेंगे। क्या कर लोगे? आपका वफाकी वजीर यहां है, मैं चैलेंज करता हूं केपी के गवर्नमेंट में, केपी के गवर्नमेंट चाहे हम उनको ऑर्डर करें, आपका वफाकी वजीर फिर 300 माइल रेडियस में अपने इलाके में आ जाए, जलसे की फुटेज उठा के देख ले। हमने तो बंदोबस्त ऐसा किया हुआ था कि हम कोशिश करेंगे 6 बजे हमारा जलसा खत्म हो, और इस मरतबा आप देखेंगे स्टेज के पीछे या बैक या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइट्स नजर नहीं आएगी। लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाबी स्पीकर, ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामेंट की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हॉल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ हो और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो हम कहें कि आप जलसा सस्पेंड कर ले? दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दब आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जलसे में कुछ भी कहें वो अपनी जगह, असेंबली के रुकन हैं तो आपको वर्किंग रिलेशनशिप रखना होगा। मानी पीटीआई ने माहौल ख़राब कर दिया था, आप भी वही करेंगे तो कल आप और मैं भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे बाप को या मेरी माँ को जेल में डाला। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका केस मेरिट पर लड़ें। सियासी माहौल इस नहज पर है कि कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो का ऐवान को फ़ाल करने का मुतालबा, कहा तमाम जमातों की हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाए, वो जमात भी शामिल हो जिसको हुकूमतें वक्त पसंद नहीं करती। हाउस के फ़ाल होने तक मुल्क फ़ाल नहीं होगा। अगर चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी ये है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से दें। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला, और इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहाँ आके अवाम का खिदमत करे, उनका काम करे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो की बातों से इख्तलाफ नहीं, मगर जब आप हदूद उबूर कर लें, विफाक और आइन को चैलेंज करें तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। जो तकरीर हुई और जो जबान इस्तेमाल की गई, अगर वो ना की होती तो ये वाक्या ना होता।
शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फयाल तालपुर समेत बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। हमने कभी किसी मरहले पर ऐवान के वकार की तौहीद नहीं की। बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया था, हमारे रबते और इख्तलाफात रहे मगर 90 की दहाई की तलखी की जानिब नहीं गए। लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमजोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे पंजाब के पे हमला आवर होंगे, आप जो है बारात लेके जाएंगे नाम लेके मरियम नवाज का, ये इस किस्म की बातें जो है ये खुदकशी के मुतरादिफ हैं। क्या हम आएंगे और अडियाला जेल से उनको रिहा करवाएंगे? जरूर कराएं, यहाँ इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं और आपकी अदालतों से उम्मीदें भी वाबस्ता हैं, उनको अदालतों से जरूर जो है कराएं। अगर कानून और आईन के मुताबिक जो है जो भी सिलसिला होता है आप एहतजाज करें, हर किस्म का एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज जो है वो लकीरें कबूल ना करे, वो क्रॉस ना करे जो रेड लाइंस कहलाती हैं इस मुल्क की वादत की, इस मुल्क के मफाद की, इस आईन की अदारे की। पार्लियामेंट के अहाते से अराकीन की गिरफ्तारियों का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। स्पीकर ने हिदायत की कि वजारत दाखिला गिरफ्तारियों के हवाले से तहकीकात करे। स्पीकर ने सिक्योरिटी की नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स कौमी असम्बली को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट हाउस से पीटीआई अराकीन की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली इन एक्शन सरदार अयाज सादिक ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया, जिसमें हिदायत की गई कि वजारत दाखिला तहकीकात करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करे। इससे कबल सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स कौमी असम्बली और 4 सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दे दी है। 4 रुकनी कमेटी की सरबराही एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार लुकमानी ने करेंगे। दीगर मेम्बरान में ज्वाइंट सेक्रेटरी अरशद अली खान, रिजवानुल्लाह और कायम मकाम सार्जेंट एट आर्म्स राजा फरहत अब्बास शामिल हैं। दूसरी जानेब आईजी इस्लामाबाद का कहना है तमाम अफराद को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। एफआईआर के मुताबिक जो तमाम विदी प्रायर जो हमारी एक तरीकाकार होता है जिसमें जो ऑनरेबल स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है, वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। 9 सितंबर की रात को पुलिस ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत दीगर अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया था। पीटीआई रहनुमा आसिफ कैसर का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली के इकदाम से मुतमईन नहीं, दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं कि पार्लियमान से अरकान को गिरफ्तार किया गया हो। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत सवाबी और इस्लामाबाद जलसे के बाद होश खो बैठी है, पीटीआई अरकान की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। इस फासिस्ट हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने हमारा रास्ता रोका। ये कोई शादी हॉल या कोई होटल थोड़ा ही है कि आप एक टाइम पे खत्म कर दें। मतलब अकल भी चाहिए होती है नकल के लिए। और 9 मई का जो बयानिया है, 8 फरवरी को जमीन दोज हो गया। मेरा गिला अपने स्पीकर के ऊपर भी है, या सादिक के ऊपर भी है कि उन्होंने वो क्यों अलाउ किया पुलिस को कि वो हमारे लोगों को अरेस्ट करते बाहर से भी, कि इस वक्त की हुकूमत ये लोग बिल्कुल अपने होश वास खो बैठे हैं। उनको मालूम है कि तोती बोलता है तो सिर्फ वजीर आजम इमरान खान का, और हम लोग अपने वजीर आला केपी जनाब अली अमीन खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इस वक्त मुल्क में कोई आईनी हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत जाली हुकूमत, जाली मैंडेट पे और एक जाली असम्बली में है। और आपने देख लिया कि इस असम्बली की इज्जत कितनी रही, यानी ये कोई तारीख नहीं। वो इदारा जो सुप्रीम कहलाता है, उस इदारे की पोजीशन उन्होंने ये रखी, तो इसका मतलब क्या है? कोई कानून नहीं, कोई आईन नहीं और इस असम्बली का कोई हैसियत। और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अलीमीन गड्डापुर के बयानात की मजम्मत, कराची में मजार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि मखसूस शख्स के इकदाम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वजीर आला ने जो जबान इस्तेमाल की, सिर्फ एक शख्स उनके साथ है। 2018 में जिसको हुकूमत दिलाई गई वो सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाता चाहता था। मुंतखब वजीर आला की जो जबान है कि तो उसके उसके अपने पार्टी के लोग सिवाय एक शख्स के, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, मीडिया से ही पता चला है। लेकिन उस शख्स का मैं क्या जिक्र करूं, वो तो पहले भी जब हुकूमत में था, कि उसे 2018 में हुकूमत दिलाई गई थी, मैं यही कहूंगा। उस शख्स ने सुना है कि कहा है, मुझे यकीन अभी तक अपने कानों पे नहीं, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि हाँ वाकई ये वही है जो मुल्क के वो नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, खासतौर पे सूबह सिंध के लोगों के लिए। वो हमेशा जो भी उस वक्त सूबह सिंध के मुंतखब लोग थे उनके खिलाफ बात करता था तो बड़ी वाहवा करता था। तो मुझे कोई फिर उस पर कोई हैरानगी नहीं हुई कि जो बात की है, तो उस पर तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, और ये तो पूरे मुल्क में है।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنینس اینڈ ڈیولپمنٹ کا چھٹا اجلاس بھی ہوا۔ پنجاب کی 112 تحصیلوں میں چیف منسٹر کلینک آن ویل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے فصیح اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں صوبائی سرحدی چوکیوں کی تعداد بڑھانے کی منظوری دی گئی، جبکہ بارڈر ملٹری پولیس کی تشکیل نو اور جدید ٹریننگ کی ہدایت کی گئی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پولیس چیک پوسٹوں پر حملہ آور دہشت گردوں کو سخت جواب دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ حملے کی جرات نہ کریں۔ اجلاس میں پولیس کے لیے 1 ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری بھی دی گئی، جبکہ آن ڈیوٹی پولیس اہلکاروں کے سوشل میڈیا اور کیمرے کے استعمال کرنے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے چھٹے اجلاس میں پنجاب کی 112 تحصیلوں میں چیف منسٹر کلینک آن لائن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2024-25 کے تحت ناروال کرتارپور کوریڈور اسکیم سمیت روڈز کے میگا پروجیکٹس کی منظوری دی گئی۔ مری ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری کے ساتھ مری میں واٹر سپلائی سسٹم کو بہتر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے بجلی کی قیمت میں 1.74 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ہوگا۔ ایک طرف مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں داخل ہونے کے حکومتی دعوے، تو دوسری طرف قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمت میں 1.74 روپے فی یونٹ کا اضافہ، حکومت کی جانب سے بجلی مہنگی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، جس کے بعد قیمتوں میں اضافے کا اطلاق بھی ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ کیا ریٹ ہے بجلی کا، کتنی آبادی ہے ان کی، کتنا سستی بجلی ہے، اور ادھر تھوڑی سی آبادی ہے اور وہ بھی رو رہے ہیں بےچارے۔ جدا حکومت نے تو ستیاناش کر دیا، جو کرائے پہ رہتا ہے، جن کے بچے رہتے پڑھتے ہیں، بےچارا کیا کرے گا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ڈسکوز سمیت کے الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ بجلی مہنگی ہونے سے صارفین پر 73 ارب 23 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے مہینے ہوگا۔ اور بجلی کے پیداواری شعبے سے عوام کے لیے اچھی خبر ہے۔ پاکستان کے پہلے نجی پاور پروڈیوسر نے بجلی کی قیمت میں کمی کے حوالے سے حکومت کو رضا کرانہ معاہدے پر نظر ثانی کی پیشکش کر دی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے راشد خان اپنی اس رپورٹ میں۔ مہنگی بجلی اور اس پر بھاری برکم کیپیسٹی چارجز، ایک طرف عوام کی جیب تو دوسری جانب صنعتوں پر بھی بھاری، لیکن مہنگی بجلی سے نجات کی امید نظر آنے لگی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ شہریار چشتی نے بتایا کہ لیبرٹی پاور پلانٹ اپنے منافع میں کمی اور معاہدے ڈالر کے بجائے ملکی کرنسی میں منتقل کر کے تمام تجاویز وفاقی حکومت کو بھیج رہا ہے۔ اگر آپ کا کنزیومر ہی آپ کا پروڈکٹ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ بزنس از ناٹ وائبل، اینڈ یہ چیز ہماری الیکٹرسٹی سیکٹر میں لوگ بھول گئے ہیں اینڈ کنزیومر پہ لوڈ ڈالے جا رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں سی ای او لیبرٹی پاور عمران احمد نے بتایا کہ ہم اپنا ریٹ آف ریٹرن 10% تک لے جانے کو تیار ہیں، امید ہے ان تجاویز سے بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ہم نے کافی سوچ کے ہم والنٹریلی کچھ ڈسکاؤنٹ آفر کرنا چاہ رہے ہیں، آر او ای ہماری ریٹرن اور ایکویٹی ہم 10% پہ لے کے آئیں گے۔ سی ای او ایشیا پاک انویسٹمنٹ نے مزید کہا کہ بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ عام صارف پر مہنگی بجلی کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ راشد خان، جی این این، کراچی۔ اہم خبر، وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے۔ اورنگزیب کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اورنگزیب، بتائے گا ملاقات کا احوال۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم مؤ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، نوید قمر، عطا اللہ تارٹ سمیت دیگر بھی اہم شخصیات اس ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اس موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز پر جو ہے ان کا خیر مقدم بھی کیا۔ اس موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف کہنا تھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں کی اتحادی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے جو موجودہ جو حکومت کی ہر جو معاشی پالیسی ہے اس پر انہوں نے ساتھ دیا ہے، جبکہ اس ملاقات پہ جو ہے آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پہ وزیر اعظم شہباز شریف، بہت شکریہ آپ کا۔ میرا راست آپ کو لیے چلیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بجلی خرچ کریں نہ کریں، پیسے پورے دینے پڑیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے
और वाकई वो 100 मेगावाट का है तो 100 मेगावाट की कीमत वसूल करते हैं, चाहे वो 10 मेगावाट प्लांट चला हो। 90 मेगावाट पाकिस्तानी कौम भुगतती है, लेकिन उन्होंने तो उससे भी आगे की बात की है कि 100 मेगावाट का अगर प्लांट है तो मुआहदे में 150 मेगावाट लिखा हुआ है, 200 मेगावाट लिखा हुआ है, और ये जितना भी बनाएंगे ये तो अगर फुल कैपेसिटी में भी चलाएं तो 100 मेगावाट चलेगा। 100 झूठ पर मुश्तमिल जो मेगावाट है वो भी पाकिस्तानी कौम अदा करे, ऐसी बेशुमार। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर 8 सितंबर के बाद पहली बार सामने आ गए। आपको बताएं कि पेशावर में बार काउंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, कहा दो कानून और दो निज़ाम नहीं चल सकते, जजा और सजा का मुनसिफाना निज़ाम ना होने की वजह से बार बार आयन शिकनी की गई, अपने हक और इंसाफ के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। तो आपको बताएं कि अली अमीन गंडापुर का खिताब सामने आया है।